हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की एक और वीडियो जिसका नेम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि परमाणु का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है, किस वैज्ञानिक ने क्या बताया है। तो सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी कि परमाणु जो है वो विभाजित हो सकता है और परमाणु तीन कैटेगरी में विभाजित हो सकता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन। ये याद रखिएगा कि परमाणु जो है वो विभाजित हो सकता है। पहले बोला गया था कि परमाणु अविभाजित होता है, लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिक ने डिस्कवरी करके ये जांच लिया कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है और उसे वो तीन पार्ट में विभाजित होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटोन पे धनावेश होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, उस पे कोई भी चार्ज या कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो फर्स्टली हमने ये बात कही। अब इन जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटोन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन पूछा चला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने के लिए। ठीक है, तो आपको होगा तो आप एकदम से उसको टिक लगा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, फिर आगे बाकी उसकी स्टडी भी कंप्लीट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन में ये बोला गया है कि जे जे थॉम्सन ने सबसे पहले उप परमाणु की खोज करी थी और उस उप परमाणु का नाम क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे जे थॉम्सन ने करी थी 1898 में, अपने प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने ये खोज करी थी। ठीक है, इसका मॉडल का नाम था वो प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसमें प्लम मतलब तरबूज बोलते हैं ना, तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, उस वहाँ से उन्होंने इस चीज़ को क्या किया था, इसको जांचा था और इसके बारे में बताया था कि एक परमाणु भी क्या होता है, एक उप परमाणु में विभाजित होता है और उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इन्होंने इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया था। तो ये तो इन्होंने अपनी परमाणु की संरचना का मॉडल दिया था। तो पहले इनका ना मॉडल देख लेते हैं, बाद में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इनकी परमाणु संरचना का मॉडल क्या था। तो देखिए, थॉम्सन का जो परमाणु मॉडल था उसमें उन्होंने ये बोला था कि परमाणु एक आवेशित, समान आवेशित गोला होता है। ठीक है, मतलब एक इस तरीके से परमाणु समान आवेशित गोला होता है जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित होता है। तो इसमें धनावेश, उन्होंने कहा था कि समान रूप से वितरित होता है, मतलब जितना ही इसमें ऋणावेश होगा उतना ही इसमें समान रूप से धनावेश होगा। जैसे ये जो उन्होंने अपने प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया था उसमें उन्होंने कंपैरिजन ये करी थी कि धनावेश को तो उन्हें तरबूज के समान बोला था कि पूरा जो तरबूज का लाल पार्ट होता है वो धनावेश होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बीज की तरह उपस्थित होते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, मतलब उन्होंने तो ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन उसमें बीज की तरह, बीज तो कहीं भी हो सकते हैं ना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकते हैं। पर्टिकुलर उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस कक्षा में कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये नहीं बता पाए थे वो। बट लेकिन यह है कि उन्होंने पहला ही मॉडल दिया था, इसलिए मॉडल जो है वो बहुत टाइम तक सक्सेसफुल रहा था और सभी ने इसको एक्सेप्ट किया था, क्योंकि ये तो हमें पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जो है किसी भी परमाणु में घूमते रहते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उनकी कौन सी कक्षा है जहाँ पर वो उपस्थित होते हैं ये नहीं बता पाया था उनका मॉडल। तो एक डायग्राम अब देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, इसमें क्या है कि थॉम्सन का ये एटॉमिक मॉडल है, ये किसी एटम का मॉडल है यानी परमाणु का मॉडल है, और ये किसी ये है वाटरमेलन। अब इस वाटरमेलन का जो ये देखिए आपको रेड रेड पार्ट दिख रहा है पूरे में, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोटोन, मतलब ये धनावेश हो गया हमारा। ठीक है, प्रोटोन भी नहीं कहेंगे इसे हम, क्योंकि प्रोटोन अभी तक नाम नहीं आया था, इसे हमने कहा कि धनावेश है। और जो इसके अंदर बीज हैं, ये जो बीज हैं ये ब्लैक कलर के, ये बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने इस मॉडल के बारे में हमें बताया था। उसके बाद ये तो हो गया था कि इलेक्ट्रॉन की कैसे कैसे डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद प्रोटोन के बारे में पढ़ते हैं कि देखिए, सबसे पहले गोल्डस्टीन जो थे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने गैस डिस्चार्ज में नए विकिरण की उपस्थिति की खोज की थी और उन्होंने उन्हें कैनाल किरणों का नाम दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है वो कैनाल जो रेज हैं उनकी डिस्कवरी की थी। और इन्होंने धनावेश के बारे में भी बता दिया था कि एक उप परमाणु होता है जिसपे धनावेश धन मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये उसका नाम नहीं दे पाए थे कि उसका नाम प्रोटोन होता है, ना ही उसके फीचर्स बता पाए थे। सिर्फ इन्होंने डिस्कवरी की थी कि ऐसा एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आवेश होता है जो हमारे परमाणु में उपस्थित होता है, इतना बताया था। लेकिन
डिस्कवरी अगर किसी ने की हो और उसके बारे में अगर किसी ने एक्सप्लेन किया, तो नाम उसका आता है जिसने उसे एक्सप्लेन किया हो, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ना ही इन्होंने वो नाम नहीं दे पाए थे। इसके बाद जो है वो रदरफोर्ड आए थे, उन्होंने जो है वो इस धनावेशित कणों के बारे में बताया था कि जो धनावेशित कण होती हैं इन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, और इसके सारे फीचर्स बताए थे। इस पे आवेश धनावेश होता है, इसका चार्ज होता कितना है, अगर हम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इस पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹, इसका द्रव्यमान होता है 1.6 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो ये इन्होंने जो है वो ये सारी की सारी इन्होंने बताया था, इसलिए रदरफोर्ड का ही नाम आता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने करी, इसलिए आता है। वरना गोल्डस्टीन ने तो इसके बारे में बता दिया था, पर वो नाम नहीं बता पाए थे इसका, ना ही वो इसके फीचर्स बता पाए थे, इंपॉर्टेंट कुछ नहीं बता पाए थे और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। बट इन्होंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से पूरा कि पॉजिटिवली चार्ज क्यों होता है, और इन्होंने ये भी बताया था कि जो प्रोटॉन होता है वो किसी भी नाभिक के केंद्र में ही होता है, ये भी इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। क्योंकि हमने आपने पढ़ा होगा रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग मेथड है, जहाँ पे हम अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल जो होते हैं, स्कैटर्स होते हैं, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे अभी, उस मॉडल में इन्होंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। तो पहले इनका मॉडल देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना इन्होंने मॉडल अपना इस तरीके से बनाया था, इसमें इन्होंने गोल्ड की शीट यूज़ करी थी। गोल्ड इसलिए यूज़ करा था कि गोल्ड को हम बिल्कुल बहुत बहुत ज़्यादा पतला उसे हम काट सकते हैं, मतलब उसकी शीट निकाल सकते हैं। बाकी जितनी भी 118 टोटल मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी हम इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ओनली गोल्ड को कर सकते हैं। तो इन्होंने गोल्ड की एक शीट का यूज़ किया था, अल्फा रेज का यूज़ किया था जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। अब एक बात मानिए कि कहीं हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हमने गोल्ड शीट पे यहाँ पर अल्फा रेज को है स्कैटर करवाई है, अल्फा रेज जा रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ हम देख रहे हैं कि अल्फा रेज जो है वो डायरेक्टली क्या हो रही है, या तो सीधी निकल जा रही है, थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ तो सीधी निकल जा रही है, कुछ का मतलब कुछ नहीं सॉरी बहुत सारी सीधी ही निकल जा रही हैं, और 20,000 में से कोई एक रे जो है वो पूरी की पूरी पीछे को डिफ्लेक्ट हो जा रही है, मतलब टकरा के वापस आ रही है। कितनी 20,000 में से सिर्फ एक रे ऐसी थी जो सीधी ना जाकर वापस आ जा रही थी। अब उन्होंने ऐसा देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये रे जो है वो वापस क्यों आ रही है। अब देखिए एक बार सुनिए कि जो अल्फा की रेज है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली रेज तो सीधे निकल गई क्योंकि वहाँ पे उन्हें कोई नेगेटिव चार्ज मिला बाहर की तरफ, जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट होती चली गई, तो वो सीधी निकल गई। लेकिन अगर आप देखें तो पॉजिटिव और पॉजिटिव यानी धनावेश धनावेश एक दूसरे को क्या कहते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। इसका मतलब जब बीच वाली रे यहाँ पर टकरा के ये वापस जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ क्या है, धनावेश है, जिसकी वजह से ये वापस आ जा रही है। तो यही कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज़ किया कि परमाणु के केंद्र में नाभिक में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी की वजह से ही तो ये धनावेश जो हम अल्फा रेज डाल रहे थे ये वापस आ रही थी, और ये तभी वापस आ रही थी जब ये केंद्र पर टकरा रही थी। बाकी ये कहीं भी जा रही थी ना तो ये पूरी वापस नहीं आ रही थी, या तो सीधी निकल जा रही थी या हल्का फुल्का थोड़ा बहुत क्या हो रही थी, स्कैटर हो रही थी। बट केंद्र में जाने पर क्या हो रहा था कि ये पूरी की पूरी रे जो है वो वापस आ जा रही थी। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ धनावेश है जिसने इसको क्या कर दिया है, अपने से दूर भेज दिया है। तो यही कॉन्सेप्ट करके उन्होंने पता लगाया कि इसके केंद्र में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटोन पर होता है, इसका मतलब प्रोटोन जो है वो हमारा इसके केंद्र में होता है। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल था। तो ये हमारी हो गई प्रोटोन की डिस्कवरी, की प्रोटोन की कैसे डिस्कवरी। उसके बाद न्यूट्रॉन में कोई कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि एक साइंटिस्ट है दूसरे साइंटिस्ट है, नहीं, न्यूट्रॉन में सिंपली खोज हो गई। न्यूट्रॉन के जेम्स चैंडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और उन्होंने ये बताया कि न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है बिल्कुल, ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यानी जो मास होता है वो प्रोटोन के ही भार के बराबर होता है, और हाइड्रोजन को छोड़कर, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन को छोड़कर न्यूट्रॉन सभी परमाणु के केंद्र में मौजूद होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये चीज़ आप बस इसमें इतना ही याद रखना। अब एक टेबल है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है, बस बाकी चैप्टर में और भी कुछ भी।
अब बस आपको क्या करना है, ये जो टेबल दिख रही है आपको सामने, ये थोड़ी सी टेबल को आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रोटॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान क्या होता है, सापेक्षिक आवेश क्या होता है, आवेश कितना होता है, मतलब ये उसका पूरा का पूरा मूल आवेश हो गया और ये उसका मूल द्रव्यमान हो गया। तो प्रोटोन का सापेक्षिक जो द्रव्यमान होता है वो एक होता है, सापेक्षिक आवेश प्लस वन होता है, आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ और इसका द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। इसी तरीके से न्यूट्रॉन पे भी सापेक्षिक द्रव्यमान एक होता है, आवेश तो न्यूट्रॉन पे कुछ भी नहीं होता तो ये उदासीन होता है और इसका जीरो होता है मूल आवेश। और द्रव्यमान अभी हमने पढ़ा था कि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान के बराबर होता है, तो इसका भी वही होता है 1.67 × 10⁻²⁷। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान, देखिए डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का सापेक्षिक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये याद होना चाहिए 0.0005 और इस पे आवेश -1 होता है, इसका आवेश भी वही होता है पर ये नेगेटिव होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ और इसका द्रव्यमान होता है 9.11 × 10⁻³¹ kg। तो ये हमने पढ़े कि कैसे जो हमारा जो परमाणु है उसके उप परमाणु है वो कैसे डिवाइड होते हैं, किस किस ने उसकी खोज करी, कैसे उनकी डिस्कवरी। तो हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो ऐसे बने रहिएगा, अच्छा लगे तो बहुत सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो इसलिए थैंक यू सो मच।